ममता बनर्जी अपना गोत्र बता रही हैं, कह रही कि मैं शांदिल्य गोत्र हूँ, साथ ही साथ वो चंडी पाठ भी पढ़ के सुना रही हैं। आपको लग रहा है कि जैसे एक तरीके से कोशिश की बाकी ऑपोजिशन के लीडर्स ने दिखाने की कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ, ममता बनर्जी भी साबित कर रही हैं कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ। अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूँ ईद का, मगर बहुत देर हो चुकी है। आप पर अमित शाह जी, ममता बनर्जी ने पर्सनली आरोप लगाया कि आप जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे उनके वोटर्स को रोकने के लिए और अपने वोटर्स को आगे बढ़ा चढ़ाकर फेक और फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, देश भर का मीडिया बंगाल और विशेषकर कल नंदीग्राम में था, एक भी फुटेज ऐसा बता दीजिए जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वोटर को रोक रही है। अगर कोई गुंडे आकर हुड़दंग करना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। देश भर का कम से कम कल 5000 कैमरा नंदीग्राम में होंगे, 5000 से कम नहीं होंगे। एक भी फुटेज मिल जाता तो आप लोग हमें छोड़ते क्या? क्यों छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, अब बताते भी और हमें जवाब भी देना पड़ता, मगर हर हारने वाली पार्टी अक्सर इसी प्रकार के बहाने बनाती है। एक बड़ा मुद्दा बना असम में, आपने देखा होगा, एक बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम्स मिले और इलेक्शन कमीशन ने फिर 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। अब ऑपोजिशन उस मुद्दे को लेकर आप पे अटैक कर रहा है कि ईवीएम्स बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में कैसे? देखिए, मुझे इस घटना की डिटेल जानकारी नहीं है, मैं कल दक्षिण भारत में था, आज यहाँ पर हूँ, परसों मैं जाऊंगा तब डिटेल जानकारी भी लूंगा, आज रात को फोन पर भी लूंगा। परंतु हमने इलेक्शन कमीशन को कोई भी कदम उठाने से नहीं रोका है, अगर ऐसा हुआ है तो कानून के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने कदम भी उठाने चाहिए और जिम्मेदारों को पर सख्ती भी करनी चाहिए। ऑपोजिशन का ये आरोप है कि इलेक्शन का शेड्यूल बीजेपी के लिए स्क्यूड है, कहने का मतलब ये कि जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं वो शुरुआत में आते हैं, वहाँ पे लाजमी तौर पे जो मजबूत पार्टी है वो अच्छा करेगी, और फिर जब लोग पूछेंगे बंगाल में कि क्या हुआ फर्स्ट टू फेजेस में, बनेगा कि बीजेपी जीत रही है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लोकसभा और विधानसभा के 5 चुनाव से यही शेड्यूल है, जब ममता बनर्जी जीती तब भी यही शेड्यूल था। नाचना नहीं आता है और आंगन टेढ़ा है, ये ऐसी बात। वो कह रहे हैं कि हमारे जो दक्षिण बंगाल के स्ट्रॉन्ग फेजेस हैं वो लास्ट में आते हैं, तब तक आप ये हवा बनाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी जीत। 2011 में भी यही था, जब दीदी जीत कर आई तो कैसे जीती थी? आपने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, आपने सत्ता पर सत्ता का सुख भोगने का प्रयास किया, आपने पूरी दूसरी टर्म भतीजे को सीएम बनाने में बर्बाद कर दी, आपने बंगाल को विकास नहीं दिया, आपने बंगाल को सुरक्षा नहीं दी, आप घुसपैठ नहीं रोक पाई, आप शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दे पाई, अब आप चुनाव के शेड्यूल का बहाना निकाल रही है। तृणमूल की उम्मीद है कि जो महिला वोटर हैं, ममता बनर्जी के महिला होने के लिहाज से, उनको सेफ्टी और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिहाज से तृणमूल की तरफ बढ़ चढ़ कर वोट देंगी, जैसे नीतीश कुमार की सरकार को महिलाओं से वोट मिला। क्या आपके लिए खतरा है महिला वोट अगर वो टीएमसी को बढ़ चढ़ कर जाता है? अगर यही तृणमूल मानता है तो वो कम्प्लीटली कट ऑफ है ग्राउंड से। आज की दोनों सभा में आपने भी देखा होगा 50% से ज्यादा महिलाएं थी, आमतौर पर पॉलिटिकल रैलियों में इतनी महिलाएं आती नहीं है, एक बात। और हिंसा और भ्रष्टाचार दो ऐसी चीजें हैं जिसका सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है, और यहाँ हिंसा और भ्रष्टाचार दोनों बड़े मुद्दे हैं।